भोकाजन में लगातार हो रहे बारिश के चलते आज एक विशालकाय पेड़ उखड़कर एक वृद्ध महिला के दुकान में जा गिरा। जिस वजह से यह गरीब महिला को खासा नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी अनुसार आज सुबह बोकाजन नगर के अधीन प्लाईबोर्ड 7 नंबर वार्ड के रहने वाली सुशीला देवी नामक वृद्ध महिला के दुकान और घर पर सड़क किनारे स्थित एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसके चलते महिला का दुकान क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कमोबेश नुकसान उसे घर और पास में रहे अन्य एक दुकान को भी पहुंचा है। मालूम हो कि सुशीला देवी नामक इस वृद्ध महिला का कमाई का स्रोत एकमात्र यह दुकान था, जिसे वो बैंक से कर्ज लेकर बनाई थी और रोजाना इस दुकान में साग सब्जी बिक्री कर अपना रोजी रोटी चलाती थी। आज अचानक पेड़ गिरने से महिला का मानो सब कुछ खत्म हो गया। गाछ गछनी हमारा तमाशा पागल हो गया है कि हम लोन निकाला है और 10,000 निकाला, वो भर दिया 20,000 निकाला, दुकान में नया कि सब्जी बेचेगा, अभी तो वो भी दुकान मेरा चला गया। हम एक बूढ़ी औरत, विधवा औरत, हम सरकार द्वारा कुछ मदद मांगते हैं। बैंक से कर्ज लेकर दुकान बनाने के बाद अब इस चिंता में दुखी है कि आखिर कमाई का सूत्र बंद होने के बाद कर्ज कहां से देगी और फिर दुकान कैसे बनेगा। यही वजह है कि महिला ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12, असम नॉर्थ ईस्ट। मेरा गुहाली भांग गया, पीना भांग गया, दुकान भांग गया, अभी भांगेगा ही। अभी सरकार से हम मदद मांगते हैं, हम गरीब आदमी पेट चलाएगा, लड़का है थोड़ा पैसा भेजता है तो पेट चलाएगा ना घर बनाएगा। लोन लिया था, एक बार लिया 10,000 तो वो चुका के 20,000 लिए, 20,000 में दुकान बनाया, सब्जी के कारोबार करता रहा, अभी तो मेरा सब चौपट हो गया। न्यूज 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।